दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ग्रोमो ट्रेडिंग में। तो आज हम फंडामेंटल एनालिसिस और एक बहुत बड़ी बुरी खबर को कवर करेंगे गाइस दिस वीडियो में। तो गाइस जिसमें क्या आप देखेंगे, वेदांता के शेयर में बहुत बुरी खबर आई है गाइस। वो जानेंगे उस बुरी खबर के बारे में, क्या है ये बुरी खबर और क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इसके शेयर प्राइस पे। तो आप यहाँ पे देखेंगे लेटेस्ट का ट्रेडिंग प्राइस है 270.45, 52 वीक लो है इसका, 206.25 का 52 वीक हाई है, 340.75 का। और उसके अलावा यदि हम इसके फंडामेंटल पैरामीटर देखें तो फंडामेंटल पैरामीटर पे काफ़ी अच्छी कंपनी है गाइस। 1,03,133 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की। और गाइस यहाँ पे आप देखेंगे 36.58 की डिविडेंड यील्ड है गाइस, जो कि काफ़ी अच्छी है, हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड है गाइस इस शेयर की। और यहाँ पे आप देखेंगे अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का 28.45 का है, ट्रेलिंग 12 मंथ का पी रेशो देखेंगे तो 9.75 का है, और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो देखेंगे 2.62 का है गाइस। और इसकी फेस वैल्यू 1 रुपये की, और इसकी बुक वैल्यू पर शेयर निकल कर आ रही है 106 रुपये की। और यहाँ पे आप देखेंगे जो कि इसकी सबसे बुरी खबर आई है इस पर, उसको हम कवर कर लेते हैं जल्दी से गाइस। और जिस भी पर्सन को F&O ट्रेडिंग में रुचि है गाइस, वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके हमारे साथ ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकता है गाइस। इसमें कि हम डेली का 2 टारगेट प्रोवाइड करवाते हैं और हमारे टारगेट हिट होने की पॉसिबिलिटी 60 से 80% रहती है गाइस। और जिस भी पर्सन का अभी तक डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट नहीं ओपन हुआ है गाइस, वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकता है, जिसमें कि आपको एनुअल मेंटेनेंस फीस नहीं पे करनी होगी एज अ लाइफ टाइम के लिए। आप यहां पे देखेंगे तो एयरटेल रेट तक इसने कोई भी रिटर्न नहीं दिया है अपने शेयर होल्डरों को। 1 साल में इसने मात्र 28% के रिटर्न दिए हैं और 3 सालों में 160% के रिटर्न दिए हैं। तो रिटर्न वाइज कंपनी काफ़ी नेगेटिव रही है गाइस। और यहाँ पर आप देखेंगे जो कि ये न्यूज़ है 3 जुलाई की 10:07 की, वेदांता शेयर गेंस ऑन द रिव्यू ऑफ द स्टील बिजनेस के लिए इन्होंने रिव्यू किया है गाइस। तो वो कुछ न्यूज़ है गाइस, यदि मैं इसको पढ़ने बैठूंगा तो उसमें काफ़ी वीडियो लेंथी और लंबी हो जाएगी गाइस। तो आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाके, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाके इसको पढ़ सकते हैं, जो कि एक नेगेटिव फैक्टर है वेदांता के लिए गाइस। और यहाँ पे आप देखेंगे इसकी वेदांता में बाइंग की रिकमेंडेशन मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे, तो 95% लोग यहाँ पे बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, 5% लोग यहाँ पे सेल की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। यदि उसके अलावा हम इसके फाइनेंशियल पैरामीटर देखेंगे तो फाइनेंशियल पैरामीटर पर भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइस, जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा गाइस, इसका रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजिंग फेस में है, 1,47,308 करोड़ का रेवेन्यू इसने 2023 के ईयर्स में कमाया है गाइस, जो कि हाईएस्ट है इसका 5 ईयर्स के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 14,506 करोड़ का नेट प्रॉफिट इसने इस ईयर्स में अर्न किया है गाइस, जो कि प्रीवियस के क्वार्टर ईयर्स से कम है थोड़ा सा। तो उसको ज़रूर आप कंसिडर कीजिए इस शेयर के लिए गाइस। और यहाँ पे प्रमोटर की ओनरशिप देखेंगे गाइस, जो कि प्रमोटर की ओनरशिप 68% की है गाइस। और यहाँ पे प्रमोटर की ओनरशिप प्लेजिंग है गाइस, 100% शेयर उन्होंने प्लेज कर रखे हैं अपने, तो इस चीज़ को ज़रूर आप कंसिडर कीजिए। यहाँ पे अब है इसका बाइंग होल्डिंग देखेंगे तो 7.89 की है, डीआईज की होल्डिंग 10.27 की है, तो ये ज़रूर आप कंसिडर कर सकते हैं गाइस। तो ये थी आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।